नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेड साई में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि धरती पर पानी कैसे आया और पानी बनता कैसे है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पानी एक जीवनदायक तत्व है जिस पर हम पृथ्वीवासियों का जीवन आधारित है। हमारे शरीर का 60% बॉडी वेट पानी है। एक जेलीफिश का 95% और एक तरबूज का 98% बॉडी वेट पानी होता है। पानी ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है और हम सभी जीव इसी पर निर्भर हैं। पानी एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन तत्व है। ये पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा कवर करता है। ये तीनों लोकों यानी धरती, आसमान और पाताल या अंडरग्राउंड तीनों जगह पाया जाता है। ये मैटर की तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। पानी समंदरों से आसमान में, आसमान से बारिश के द्वारा धरती पर और नदियों द्वारा फिर से समंदरों में पहुंच जाता है। पीने के लिए मीठे पानी और सिंचाई के लिए डैम्स, तालाबों और कुओं में भले ही पानी कम हो, पर पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है। वहीं इससे अलग हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट है। यानी ये हमारे सौरमंडल में बहुत ही दुर्लभ है और ये कहीं भी तरल रूप में नहीं पाया जाता। और यहाँ तक कि बाकी यूनिवर्स में भी जहाँ तक हम देख पाए हैं ये लिक्विड फॉर्म में कम ही देखने को मिलता है। तो इससे एक सवाल पैदा होता है कि धरती पर पानी कैसे आया। चलिए आज करते हैं इसकी पड़ताल। सबसे पहले जानते हैं पानी है क्या। पानी को विज्ञान में H2O कहा जाता है क्योंकि सभी तत्वों में से केवल दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। या इसे यूं कहें तो पानी को H2O कहा जाता है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम जो आपस में मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से ही यूनिवर्स में मौजूद है, पर ऑक्सीजन इससे करोड़ों साल बाद बना। कैसे बना हम इस कहानी पर नहीं जाएंगे, बस इतना जान लेते हैं कि ऑक्सीजन उसी वक्त बनी थी जब ब्रह्मांड में तारे बने थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनी तो हमारा ये सोने की उत्पत्ति वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन और सोना चांदी वगैरह कैसे बनते हैं और ये सभी पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैलते हैं। उससे आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन धरती तक कैसे पहुंची। तो वापिस आते हैं मेन पॉइंट पर। तारों में बनी ऑक्सीजन सुपरनोवा के रूप में स्पेस में बिखर जाती है। इसी बीच ये हाइड्रोजन से मिलकर H2O यानी पानी में बदल जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद होता है और ये पानी के मॉलिक्यूल्स डस्टी क्लाउड्स के रूप में स्पेस में मौजूद होते हैं और नए स्टार्स, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को बनाते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ऐसे ही इन्होंने हमारी पृथ्वी बनाई और जिससे पानी हमारी पृथ्वी पर भी आया। बाद में भी पानी पृथ्वी पर धमाकों द्वारा आया। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी नई नई बनी थी। पर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम सभी को अभी नहीं पता है कि इस प्रक्रिया में कितना पानी पृथ्वी पर आया और एग्जैक्टली कब। एक थ्योरी कहती है कि अगर पानी पृथ्वी के जन्म के समय या उसके बाद धरती पर आया तो उस समय तो पृथ्वी बहुत गर्म थी और उस पर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल भी नहीं था, तो पानी को तो एवोपरेट होकर स्पेस में वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल तो आउटगैसिंग के द्वारा बाद में बना। ज्वालामुखियों की राख और धुएं द्वारा एक गोल घेरा पृथ्वी के चारों ओर बन गया जो पानी को इवोपरेट होकर स्पेस में जाने से रोक सकता था। यही गोल घेरा बाद में जाकर एटमॉस्फेयर बना। तो वैज्ञानिकों द्वारा एक थ्योरी यह भी दी जाती है कि हो सकता है धूमकेतुओं द्वारा यह पानी पृथ्वी पर दोबारा आ गया हो। इसके अलावा भी पानी को लेकर कई थ्योरीज हैं, पर एक थ्योरी को जिसे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है वह कहती है कि पृथ्वी पर पानी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही मौजूद है। पृथ्वी पर भले ही एटमॉस्फेयर नहीं था, पर पानी तब भी पूरी तरह से पृथ्वी से बाष्पीकृत नहीं हुआ और धूमकेतुओं द्वारा भी बाद में धरती पर पानी आया। ये दोनों ही घटनाएं हुई होंगी, इसीलिए इन दोनों ही घटनाओं को सही माना जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि धरती पर पानी कैसे आया। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेड साई को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें।